अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपनी वीडियो में न्यूज़ चैनल वाली पट्टी किस तरह चलाते हैं। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि न्यूज़ चैनल जो होते हैं उनमें ख़बरों वाली पट्टी चल रही होती है, वो हम अपनी वीडियो में कायन मास्टर के ज़रिए किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो आपने वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें वो पट्टी चलानी है। मैं यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ। उसके बाद आपने लायर पे क्लिक करना है और मीडिया पे फिर क्लिक करना है और यहाँ से एक बैकग्राउंड रेड कलर का आपने चूज़ कर लेना है। इसका कलर रेड कर देते हैं और इसका साइज़ आपने इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देनी है और इसका साइज़ आपने बढ़ा देना है, बिल्कुल स्क्रीन पे फिट कर देना है। और फिर आपने इसको नीचे ले आना है, बिल्कुल नीचे, जिसके ऊपर हमने अपनी तहरीर वगैरह जो लिखी हुई है, यानी कि पट्टी हमने जो चलानी है। तो उसके बाद और फिर टैक्स में आकर आपने अपना जो भी चलाना है उधर पट्टी पे रेड कलर की, वो लिख लेना है। इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं हम और आपने इसे नीचे लाकर फिट कर देना है और बड़ा कर लेते हैं साइज़। और फिर इसके बाद आपने इसे आने पे ले जाना है, बिल्कुल नुक्कड़ पे छुपा देना है इसे, ठीक है। इसको छुपाने के बाद आपको एक साइड पे की वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा और टेक्स्ट का की ड्यूरेशन भी आपने बढ़ा देनी है। और इसको छुपाने के बाद साइड पे की वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपने वीडियो को एंड पे ले आना है, नीचे जो एडिटिंग जोन है आपने इसको एंड पे ले आना है, यानी कि जहाँ तक आपने अपनी पट्टी को चलाना है, ठीक है। और उसके बाद वो जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं आपने इनको उठाकर इनको उठाकर आपने दूसरी साइड पे ले आना है, बिल्कुल इधर एंड पे ऐसा ऐसा ले आएँ और इसे एंड पे लाकर अब राइट साइड पे इसे छुपा दें बिल्कुल। ये हो गया, अब ओके कर दें। लीजिए अब आपकी पट्टी चल गई, इसे चलाते हैं, ये देखें। तो इस तरह करके आप जो भी अपनी वीडियो में चलाना चाहें, कुछ भी लिखकर, तो आप ऐड कर करके अपनी इस तरह चला सकते हैं पट्टी।